उभयोरपि दृष्टो तस्त्वनयोः अनयोः दृश्यमानयोः भावाभावयोः। ये जो दृश्यमान है भावाभाव सदसतो नहीं हो भावाभावयोः अनयोः इदंतया दृश्यमानयोः। जो ये जन्म मरण देखने में आता है संसार में, ये पैदा हुआ ये मरा, ये पैदा हुआ ये मरा है? बोले तत्वदर्शी ही अनयोः उभयोः, दो शब्द है, नहीं तो उभयो से काम चल जाता है ना। तो उभयो हो भावाभावयो, अनयो का अर्थ हुआ दृश्यमानयो। उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयो हो अनयो हो उभयोस्तु अन्तः रहस्यम् सिद्धान्तः तत्वदर्शी दृष्ट। कर्तव्य क्या है? देखने में जन्म मरण तो आते हैं, और तुम कहते हो जन्म मरण सत्का है ना सत्का है, और देखने में तो आते हैं। कि बोले इनका असली रहस्य तत्व ज्ञानी लोग जानते हैं। क्या रहस्य है? अनिर्वचनीय है, धन दृश्यमान है, दृश्यमान तो है हाँ परंतु है नहीं, दृश्यमान है परंतु है नहीं। तो तत्वदर्शी लोगों ने इनकी अनिर्वचनीयता का जो रहस्य है, सत्वा तत्वाभ्याम अनिर्वचनीयत्व जो है अभावाभाव में, उसको तत्वदर्शी लोगों ने देखा है। एक अर्थ आपको सुना दिया। तो अब इसमें देखो, जगत का मिथ्यात्व, मिथ्यात्व माने अनिर्वचनीयता ही होता है, मिथ्या शब्दों अनिर्वचनीयता वचना, भाव की अपेक्षा से अभाव, अभाव की अपेक्षा से भाव का दर्शन होता है। ये भावाभाव न सद्वस्तु में होते हैं न सद्वस्तु में होते हैं, जब तक अज्ञान है तब तक ये प्रतीयमान है। तत्व ज्ञान में ये प्रतीयमान होते हुए भी तत्व में नहीं है। अब इसी तरह कर्म और भोग के बारे में भी देख लो, दोनों ही अज्ञान मूलक हैं गीता में, है कि नहीं? ज एनम वेत्ति हंतारम जश्चैनम मन्यते हतम। ये तो श्रुति है बाबा, उभौ तौ न बिजानी तो नायम हन्ति न हन्यते। दोनों अज्ञानी न बिजानी था, दोनों विज्ञान, दोनों को विज्ञान ही नहीं है। किसको किसको दोनों, किन दोनों को विज्ञान? ज एनम वेत्ति हंतारम, जो हनन क्रिया का कर्ता अपने को मानता है वो अभिज्ञानी है, माने विज्ञान न होने के कारण अपने को हंता मानता, हंतृत्व अज्ञान मूलक। जश्चैनम मन्यते हतम, और हनन क्रिया का भोक्ता अपने को जो मानता है सो बोले अभिज्ञानी है। न उभौ तौ न बिजानीता, दोनों विज्ञान से रहित हैं। कौन? जो अपने को मारने वाला करने वाला मानता है, जो अपने को मरने वाला किया जाने वाला मानता है। नए मंत्र आते अन्य थे, वह ज्ञान मूलक जो वस्तु होती है वो असल में होती नहीं है, अज्ञान से प्रतीत होती है। फिर तो आत्मा का स्वरूप क्या हुआ? न जायते मृते वा कदाचित, यही आत्मा का स्वरूप हुआ। नयम कुतश्चित न बभूव कश्चित, तो आत्मा का स्वरूप ये हुआ कि वो कर्ता भोक्ता नहीं है। न हंति न निबध्यते, न करोति न लिप्यते। क्यों भाई? यदि कर्म है और लेप है तो आत्मा से क्यों, आत्मा क्यों नहीं करता है, क्यों नहीं लिप्त होता है? और ज्ञान दशा में नहीं करता है नहीं लिप्त होता है, और अज्ञान दशा में करता है और लिप्त होता है, तो उसके स्वरूप में कहाँ हुआ? ये तो अज्ञान से आगंतुक हुआ। तो ज्ञान से जिसकी निवृत्ति होती है वो मिथ्या होता है, अज्ञान से जिसकी प्रतीति होती है वो मिथ्या होता है। और उसके लिए केवल ज्ञान, एकमात्र ज्ञान ही उसका साधन है। तो तात्पर्यतः जो गीता है वो तो तत्व की सूचना स्थान स्थान पर दे देती है। जहाँ कर्म योग करके लोग चिल्लाते हैं उसी बात पर ध्यान दें। कर्म क्या आत्मा के साथ संबद्ध है गीता में कहीं?
क्योंकि चुनौती है, गीता से आत्मा को कर्ता सिद्ध कर दो। जनक आदि जो व्यक्ति हैं उन्होंने सिद्धि के पूर्व कर्म किया है और कर्म से उनको सिद्धि मिली है, तो जनक आदि तो जब अज्ञानी थे तब उन्होंने कर्म से सिद्धि प्राप्त की कि ज्ञानी होने के बाद कर्म से सिद्धि प्राप्त की? वो तो कर्मणा में जो तृतीया है ना, वो करण हो गया ना, सिद्धि प्राप्ति का करण है कर्म। अब सिद्धि पद का कुछ भी अर्थ हो वो तो बन जाता है। नहीं, ये देखो, प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वतः यः पश्यति तथात्मानं अकर्तारं सपश्यति। प्रकृति कर्म कर रही है, ऐसा जो देखता है वो अपने आत्मा को अकर्ता देखता है। एक प्रकृते क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वतः अहंकार विमूढात्मा कर्ता अहमिति मन्यते। प्रकृति के गुण काम कर रहे हैं। ये देखो, अपने को अकर्ता बनाने की भिन्न भिन्न युक्ति। अकर्तृत्व प्रतिपाद्य है, कहीं प्रकृति करती है बोल दिया और कहीं प्रकृति के गुण करते हैं ऐसा बोल दिया। कहीं ये तो बाबा पंचायती काम है। अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथक् विधम विविधानुच पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमं शरीरवान् मनोवीर्यात् कर्म प्रारभते नरः न्याय्यं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः तत्रैवं सति कर्तारं आत्मानं केवलं तुजः पश्यत्य कृतबुद्धित्वात् न सपश्यति दुर्मति। लो, अंधा है और दुर्बुद्धि है। कौन? का जो केवल आत्मा को कर्ता मानता है। ये कर्म तो पंचायती है, सब के सब पंचायती है। देखो लो, और नहीं तो ईश्वर करता है। ईश्वर सर्वभूतानां का भी नतीजा यही निकला कि आत्मा करता है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से तिष्ठति सर्वभूतानां वृश्चिक दंत मस्तकादि नाम भी लता वृक्षादि नाम भी ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। जैसे नाव को चलाता है बल्ला, उस पर बैठे यात्री थोड़े चलाते हैं, वैसे ये जो यंत्र है इस पर बैठे हुए जीव इस यंत्र को नहीं चलाते हैं, इसका जो अंतर्यामी है परमेश्वर वो चलाता है। तमेव शरणं गच्छ, ईश्वर करता है। स्वभाव जेन कौन्तेय निबद्ध स्वेन कर्मणा कर्तुम नेच्छसि जन्मोहा करिष्यत्यवसो पितात। स्वभाव से कर्म होता है, ये तो स्वभाव है। स्वभाव जेन कौन्तेय, स्वभाव से कर्म होता है। इसलिए इन्होंने कहा कि हे आत्मदेव, हे अर्जुन, जो समझदार लोग होते हैं वो नवद्वारे पुरे देही नैव कुर्वन् न कार्य। ये नव दरवाजे वाले पूर्व में तो रहते हैं परंतु न करते हैं न कराते हैं। तो असल में ये तो ऐसे दाल में नमक के बराबर है। नैव किंचित करोमि इति युक्तो मन्ये तत्त्ववेत्, मैं कुछ नहीं करता तो देखता हूँ। हाँ, देखते हैं, सुनते हैं, यानी समाधि नहीं लगी है। पश्यन् श्रृण्वन् स्पृशन् जिग्रन् अश्नन् खाते भी हैं बाबा जी हैं, गच्छन् चलते भी हैं, सोते भी हैं, सांस भी लेते हैं। उन्मिशन निमिशन न, उन्मेष निमेष भी होता है, माने खुली आँख है, समाधि नहीं लगी है। परंतु नैव किंचित करोमि इति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्। बोले फिर ये हो क्या रहा है? करे बाबा, इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते। मैं नहीं बरत रहा हूँ, ये तो इंद्रिय ही अपने विषयों में बरत रहे हैं। ये तो यज्ञ हो रहा है। हाँ, विष्णु पुराण में जो रिपु निदाक का प्रसंग है ना, वो बहुत मजेदार है। वो तो और पुराणों में भी है, बल्कि उपनिषद में भी है। एक छोटे उपनिषद में भी वो प्रसंग ले गया। विष्णु पुराण को तो बाबा हम जब पढ़ते हैं ना, तो कहो हम शुरू से आखिर तक
उसमें कैसा अद्वैत वेदांत का वर्णन है, ऐसा अद्भुत। उस पर श्री रामानुजाचार्य महाराज की टीका है, उसका नाम विष्णु चित्ती है, एक ज्ञान संबंध की टीका है, एक श्रीधरी टीका, श्रीधर जैसे भागवत पर जैसे ऐसे विष्णु पुराण पर ज्ञान स्वरूप मखिला प्रसाद ज्ञान स्वरूप है, अर्थ स्वरूपम पश्यंतो ब्राह्म्यन्ति, जो इसको अर्थ रूप देखते हैं वो ब्रह्म में पड़े हुए हैं, ऐसे विष्णु पुराण ऐसे बोलता है। तो ये तो विष्णु है कृष्ण है सब एक ही तो है, इनमें कोई फर्क, जो कृष्ण बोलते हैं सब विष्णु बोलते हैं, जो विष्णु बोलते हैं। ये एक दृष्टि हुई, कहो तो अब दूसरी दृष्टि से सुना कि गीता में विशिष्टाद्वैत का भी प्रतिपादन है, द्वैत का भी प्रतिपादन है, विशुद्धाद्वैत का भी प्रतिपादन है। हमने गीता पर जो पहला सार्वजनिक व्याख्यान गीता पर पहले दिया कहा इलाहाबाद, तो गंगानाथ था उसके सभापति, प्रयाग यूनिवर्सिटी के चांसलर वाइस चांसलर थे उस समय, और वो कैसे गीता सबकी माँ है वो है, तो जैसे माँ अपने सब बच्चों को दूध पिलाती है वैसे ये गीता अपने सब बच्चों को दूध पिलाती है, ये तो अमृत है अमृत है। इसलिए जो जिस दृष्टिकोण से जो भाव लेके जाता है उसको वही भाव देती है, वो माने समन्वयात्मक का पहला भाषण वही। तो गंगानाथ खाने फिर बहुत प्रसन्न बोले बहुत उत्तम कोटि का दृष्टिकोण, ये सन 36 की बात है, सन 36 कितने दिन हो गए, 40 वर्ष हो गए ना, 40-41 वर्ष हो गए। गंगानाथ झा उसमें प्रयाग यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे, उनके सभापतित्व में यही गीता जयंती हुई थी, वो आज का ही दिन गीता जयंती हुई। गंगानाथ झा ने बहुत काम किया है, दर्शनों का तो अंग्रेजी में अनुवाद कर दिया है, न्याय दर्शन वैशेषिक दर्शन का, योग दर्शन का, शंकर भाष्य का, उपनिषदों का,